स्वागत है आपका हमारी क्लास में। बहुत दिनों के बाद हम आपके लिए शिक्षण अभिरुचि की पुनः महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला वाली क्लास लेकर आए हैं। तो पीटीटी के फॉर्म भरे जा चुके हैं। अगर अभी तक भी आपने पढ़ाई शुरू नहीं की है तो जल्दी से शुरू कर दीजिए, अपने स्तर पर टॉपिक को कम्प्लीट कीजिए और रिविज़न करने के लिए आ जाइए हमारी क्लास में। हमारी क्लास का मात्र उद्देश्य यही है कि आपका रिविज़न हो जाए अच्छे से और आपका टॉपिक जो है वो मजबूती से तैयार हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, आपने एक शिक्षक बनना क्यों तय किया? अब पीटीटी का एग्ज़ाम देना है, पीटीटी कर बीएड करोगे आप 2 साल की, उसके बाद आप टीचर के एग्ज़ाम दोगे, तो ये आपने क्यों तय किया? ऑप्शंस देखिए, मैं ट्यूशन करके बहुत धन कमा सकता हूँ, मैं अपने स्वयं के बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है, मैं अन्य नौकरी नहीं पा सकता। हमने आपको पिछली क्लास में जैसा कि बताया था कि शिक्षण अभिरुचि के जो सवाल होते हैं उनको हमें सकारात्मक रहकर आंसर देना होता है। ये जो पार्ट है वो साइकोलॉजिकल पार्ट है, तो अपने माइंड को स्थिर रखते हुए एक सकारात्मक माहौल बनाते हुए हमें इनके प्रश्नों को सोल्व करना है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप ऑप्शन पढ़िए और देखिए, इसमें स ऑप्शन है वो हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण कार्य मुझे अत्यधिक पसंद है, बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, ये सभी जो ऑप्शन है वो हमारा आंसर नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कक्षा में मस्तिष्क आंदोलित करने की विधि से छात्रों में विकसित किया जा सकता है, मस्तिष्क उद्वेलित कहते हैं उसे, यहाँ प्रिंट मिस्टेक हुई है, जिसे ब्रेन स्ट्रोमिंग भी कहते हैं, कल्पना शक्ति को, स्व अन्वेषण की क्षमता को, चिंतन की प्रवृत्ति को, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है, छात्रों में क्या विकसित किया जाता है, तो मस्तिष्क उद्वेलित में ये सभी विकसित किया जा सकता है, हमारा द ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण हेतु कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी से कुछ देर बाद बुलाने के लिए कहूँगा। आप टीचर बन गए हैं, आपका कलांश चालू हो गया है, और जैसे कि आप बोलोगे कर्मचारी, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो होते हैं उनको आप ये कहेंगे कि नहीं मुझे थोड़ी देर बाद बुलाओ, या फिर दर्पण में अपना चेहरा निहार लूँगा, कक्षा में जाने से पहले आप अपना कांच में शक्ल देख लेंगे कि मैं अच्छा लग रहा हूँ या नहीं, कक्षा में स्टूडेंट को बढ़ाना है कैसे लगूँगा मैं, ये करेंगे। ये अगला ऑप्शन देखिए, आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर जाऊँगा या अपनी पाठ योजना व्यवस्थित करूँगा। तो द ऑप्शन जो है हमारा बिल्कुल सही आंसर होगा, ना तो हमें कांच में अपना चेहरा देखना है और ना हमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को ये कहना है कि थोड़ी देर आकर मुझे बुलाइए। तो इसमें जो द ऑप्शन है हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, अपनी पाठ योजना हमने किस तरह से बनाई है, सहायक सामग्री सभी है या नहीं है, सभी व्यवस्थित कर लेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षक होने के नाते आप अपने पुत्र को शिक्षक बनने को कहेंगे? ऑप्शन देखिए, नहीं, क्योंकि इस व्यवसाय में कुछ नहीं रखा, ऐसा कहेंगे आप अपने बेटे या बेटी को कि तू टीचर नहीं बनना या मत बन, ऐसा कुछ नहीं रखा है, या हाँ यदि वह स्वेच्छा से इसके लिए सहमत होता है, कह नहीं सकते या हाँ। तो इसमें हमारा ऑप्शन द राइट होगा, हम उन्हें यही कहेंगे कि आप भी एक शिक्षक बनिए, समाज की नींव रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, शिक्षण एक पारस्परिक क्रिया है, शिक्षक और माता पिता के मध्य, छात्र और शिक्षक के मध्य, छात्र और छात्र के मध्य, शिक्षक और शिक्षक के मध्य, तो जो शिक्षण जो है वो किसके मध्य अंतःक्रिया, किसके मध्य पारस्परिक एक क्रिया होती है, वो छात्र और शिक्षक के मध्य होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आपके मतानुसार कक्षा संप्रेषण कैसा होना चाहिए? आपके मतानुसार कक्षा का संप्रेषण जो है, सप्रेशन का मतलब होता है बातचीत करना, कम्युनिकेशन, ठीक है, तो वो कैसा होना चाहिए, कठिन, सामान्य, रोचक या फिर व्यापक? तो कक्षा का संप्रेषण का जो माध्यम है वो रोचक होना चाहिए, जिसमें विद्यार्थियों को बोरिंग फील ना हो, जिसमें वो ये नहीं, जिसमें उन जिसमें कक्षा का वातावरण नीरस ना हो जाए, ठीक है, तो रोचक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार है, आपकी राय में अंतर्वैयक्तिक संबंधों का आधार क्या है? विचारों की समानता, क्षेत्रवाद, शिक्षा, रुपया, पैसा।
अंतर्वेग संबंधों का आधार जो है वो शिक्षा होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है। सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग, जब आप PTET में सेलेक्ट हो जाएंगे, आपका कॉलेज मिल जाएगा आपको, तब जब आप ट्रेनिंग के लिए कॉलेज में जाओगे तब आपको सूक्ष्म शिक्षण या माइक्रो टीचिंग आपको एक ये देंगे प्रोजेक्ट, आपको अपनी ही कॉलेज की क्लास में या फिर पास वाले स्कूल में नज़दीकी जो स्कूल होगा वहाँ जाकर आपको एक छोटे से दल या समूह को 5 या 5 से 15 मिनट तक आपको पढ़ाना होता है, उसे माइक्रो टीचिंग कहते हैं, जिसमें सभी कौशल विकसित होते हैं हमारे। तो सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य छात्र अध्यापकों के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना है, यह कथन कुछ नहीं कहा जा सकता। आंशिक सत्य, असत्य या सत्य? सूक्ष्म शिक्षण का उद्देश्य जो होता है छात्र अध्यापकों यानी कि जो ट्रेनिंग कर रहे हैं वो स्टूडेंट के मध्य शिक्षण कौशल का विकास करना, ये बिल्कुल सत्य है हमारा, द ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक की अपने सहकर्मियों के साथ किस प्रकार की अभिवृत्ति होनी चाहिए? आप टीचर बन गए हैं, आपके साथ जो और भी टीचर्स हैं उनके साथ आपका कैसा दृष्टिकोण होना चाहिए, कैसा एटीट्यूड होना चाहिए उनके साथ आपका? नकारात्मक होना चाहिए, आलोचनात्मक होना चाहिए, सहयोगात्मक होना चाहिए, रचनात्मक होना चाहिए? तो ऑब्वियसली सहयोगात्मक होना चाहिए, एक दूसरे की सहयोग करना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, सही ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। बालकों के सामान्य ज्ञान में वृद्धि करने के लिए शिक्षकों में होना चाहिए, बालकों में सामान्य ज्ञान में वृद्धि करनी है, शिक्षकों को इसके लिए क्या करना चाहिए? उत्साह, उदासीनता, तीव्र इच्छा, अकर्मण्यता। उत्साह, उदासीनता, तीव्र इच्छा शक्ति या अकर्मण्यता? तो बालकों में ज्ञान की वृद्धि के लिए उनमें क्या होना चाहिए? तीव्र इच्छा शक्ति। जब वो इच्छा ही नहीं होगी तो क्या सीखेगा, क्या नहीं सीखेगा? उसमें इच्छा होगी तो वो खुद बहुत कुछ सीख सकेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आपकी राय में जीवन की सफलता प्राप्ति हेतु आवश्यक है शिक्षण व व्यवस्था में, समग्र जीवन में, परिवार में या आवश्यकता नहीं है? आपकी राय में जीवन की सफलता प्राप्ति हेतु आवश्यक है, आपकी राय में जीवन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? समग्र शिक्षा, शिक्षण व व्यवस्था में, समग्र जीवन में, परिवार में या आवश्यकता नहीं? तो जीवन की सफलता प्राप्ति के लिए जो आवश्यक है वो है समग्र जीवन में आवश्यकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आपके मतानुसार आधुनिक जीवन में शिक्षा को माना जाता है व्यावसायिक विवेक उत्पन्न करने का साधन, चेतना उत्पन्न करने का साधन, मोक्ष प्राप्ति का साधन, व्यक्तिगत निर्माण का साधन? प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा द व्यक्तिगत निर्माण का साधन है, शिक्षा जो है आधुनिक जीवन में वो व्यक्तिगत निर्माण का साधन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। व्यवसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण एवं श्रद्धा है, यह कथन है? व्यवसायिक प्रतिबद्धता का मुख्य आधार समर्पण एवं श्रद्धा, यह कथन बिल्कुल सत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए। यदि विद्यार्थी बेहुदा तरीके से पेश आता हो तो सबसे उचित होगा उनको लज्जित करना, उनको अपराध का एहसास कराना, उन पर क्रोध करना, उनको दंडित करना? तो उनको अपराध का एहसास कराना बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। वर्तमान में स्कूल पूरा नहीं कर पा रहे बच्चों में प्रेम तथा बंधुत्व की भावना का विकास, नैतिक मूल्यों का विकास, वित्तीय उन्नति में दक्षता हासिल करने का गुण, परीक्षा की तैयारी। वर्तमान में जो ये स्कूल से वो क्या पूरा नहीं कर पा रहे हैं? नैतिक मूल्यों का विकास नहीं हो रहा है आजकल के बच्चों में, नैतिक मूल्यों का जो विकास होना चाहिए था वो अभी वर्तमान के विद्यालय पूरा नहीं कर पा रहे, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक का मुख्य कार्य है स्कूल में राजनीति करना, पाठ्यक्रम पूरा करवाना, अच्छे नागरिक तैयार करना, ज्ञान को बढ़ाना। स्कूल में राजनीति करना बिल्कुल नहीं, पाठ्यक्रम ही पूरा करवाना एक शिक्षक का दायित्व नहीं होता है, अच्छे नागरिक तैयार करना यही एक शिक्षक का मुख्य कार्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। एक शिक्षक का कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति व्यवहार होना चाहिए, एक शिक्षक का कक्षा में नए स्टूडेंट्स के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? उसको मेधावी छात्रों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, भेदभावपूर्ण उसको कमजोर विद्यार्थियों पर ध्यान देना चाहिए, सभी विद्यार्थियों पर बराबर ध्यान देना चाहिए? तो मेधावी छात्रों पर ध्यान देना बिल्कुल गलत है, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा हुआ है विद्यालय में, जब हम छोटे थे स्कूल में तब हमारे साथ ऐसा बहुत हुआ है, जो होशियार बच्चे होते हैं उन्हीं पर टीचर्स ज़्यादा फोकस करते थे, लेकिन हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए,
भेदभावपूर्ण भी नहीं होना चाहिए, इसमें और इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। उसको कमज़ोर विद्यार्थियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, सभी विद्यार्थियों पर बराबर। तो द सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। सबसे कमज़ोर विद्यार्थी है उन पर सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो होशियार होते हैं वो तो अपने आप ही सब समझ जाते हैं, पढ़ लेते हैं, उनको कम ज़रूरत होती है सहयोग की, लेकिन कमज़ोर विद्यार्थियों को ज़्यादा शिक्षक की आवश्यकता होती है। सा ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्यार्थियों के बार बार अनुत्तीर्ण होने पर, कोई स्टूडेंट या आपकी क्लास का बार बार फेल हो रहा है क्लास में, फिर आप विभिन्न विषयों पर उनकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे, मजाक उड़ाएंगे, उनको घर बैठकर कुछ काम करने की सलाह देंगे, प्राइवेट विद्यार्थी बनकर परीक्षा देने की सलाह देंगे। मजाक उड़ाना नहीं है, घर बैठकर कुछ काम करने की सलाह नहीं, उसकी पढ़ाई नहीं छुड़वानी है हमें, प्राइवेट विद्यार्थी बनकर परीक्षा देने की, लेकिन विभिन्न विषयों पर उसकी आवश्यकता अनुसार मार्गदर्शन देंगे। पहले पता करेंगे कि किस सब्जेक्ट में वह कमज़ोर है, कहाँ उसे दिक्कत आ रही है फेल होने का, क्या उसका जो शैक्षिक निदान होगा वो करेंगे, फिर उसके अनुसार उसका उपचार करेंगे। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है, कौन सा सामाजिक गुण एक शिक्षक का मान बढ़ाता है? सामुदायिक सेवा, विद्यार्थियों के लिए कैंप का आयोजन, कविता पठन या साहित्यिक गतिविधियाँ? तो ए ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, सामुदायिक सेवा। शिक्षक जो है एक समाज में रहकर सामुदायिक समाज की सेवा करता है, वही उसका सामाजिक गुण शिक्षक का मान बढ़ाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, आपके विचार में सरकार द्वारा प्रायोजित पेड़ लगाओ अभियान है, किसी काम का नहीं है, केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए, पैसा कमाने के लिए ही आवश्यक है? तो ये आवश्यक है, आप सभी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक कारगर एवं सफल नेतृत्व का क्या आधार होना चाहिए? लीडरशिप, शिक्षण अभिरुचि का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये लीडरशिप, तो उसका क्या आधार होना चाहिए? प्रशंसा, वैयक्तिक रुचि, समूह की सेवा, पूरे समूह का कल्याण? तो पूरे समूह का कल्याण हो, वही उसका आधार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बनाया, आप देर से पहुंचकर माफ़ी मांगेंगे, समय पर पहुंचेंगे, देर से पहुंचकर गर्व महसूस करेंगे, या समय से पहले पहुँचेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समय से पहले पहुंचेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आप भगवान की पूजा करते हैं क्योंकि आपको भगवान का डर है, दोस्त ऐसा करने के लिए कहते हैं, आपको आंतरिक शक्ति मिलती है, आपके घर में भक्तिमय वातावरण है, आप भगवान की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं? तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा सर, आपको आंतरिक शक्ति मिलती है। हम तो बस आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको सभी प्रश्न जो है वो पसंद आए होंगे। अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और रिवीजन के लिए ऐसे ही हमारी क्लास देखते रहिए, हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू।